आज हम रिव्यू करेंगे खादिज नेचुरल लेवेंडर एंड इलांग इलांग रिलैक्सिंग एंड सूथिंग बॉडी वॉश। हाय गाइस, हर्षिता दिस साइड एंड वेलकम बैक टू योर चैनल हर्षिताज इनसाइट्स। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। ये प्लास्टिक बॉटल में साउंड फ्लिप कैप के साथ आता है। इसको मैंने खादी नेचुरल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया था। अगर आप चाहे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका पे भी देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट 3 ईयर्स की सेल्फ लाइफ के साथ आता है। इसकी क्वांटिटी 210 ml है और ये मुझे अराउंड ऑफ 150-170 रुपीज समथिंग पड़ा था विद डिस्काउंट। ये ट्रैवल फ्रेंडली के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसका ट्रांसपेरेंट जेल टेक्सचर लेवेंडर कलर में देखने को मिलेगा। इसकी बहुत माइल्ड सेंट है। प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत कम लेना पड़ता है। इसका लेदर बहुत अच्छा बनता है। इस प्रोडक्ट के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला लेवेंडर ऑयल, जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, और सेकेंड इलांग इलांग, जिसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये दोनों ऑयल्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बॉडी वॉश को गीली स्किन पे अप्लाई करना होता है। जब इसे हम स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है और इसका लेदर बहुत अच्छा बनता है। स्किन की डर्ट इम्प्योरिटीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। जब हम इसे वॉश करते हैं तो ये इजीली वॉश हो जाता है और कोई भी स्ट्रेन्स वगैरह स्किन पे नहीं छोड़ता और किसी टाइप की स्टिकीनेस भी फील नहीं होती। आफ्टर वॉश स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड, हाइड्रेटेड, सॉफ्ट एंड स्मूथ फील होती है और इसकी फ्रेगनेंस 2-3 आवर्स तक स्टे करती है। जेल बेस्ड बॉडी वॉश समर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट आप यकीन नहीं करोगे, मैं इसे विंटर्स में भी यूज़ कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती, इवन स्किन पे स्क्रैचेस भी नहीं आते। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद बॉडी एंड माइंड काफ़ी काम एंड रिलैक्स्ड फील होती है। कंपनी क्लेम्स दिस प्रोडक्ट हैज़ नो SLS, पैराबेंस, ब्लीच, क्लोरीन एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स, और इसको प्योर ऑथेंटिकेट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, जिसमें कि नेचुरल हर्ब्स का भी यूज़ हुआ है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट लिस्ट, सो इट कंटेन्स प्यूरिफाइड वाटर, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, लोधरा एक्सट्रैक्ट, लेवेंडर ऑयल, यांगयांग ऑयल, निरोली ऑयल एंड बेस क्यूबेस। मुझे एक चीज़ आज तक समझ में ये नहीं आई कि खादी नेचुरल्स अपने सभी प्रोडक्ट्स को 100% हर्बल एंड आयुर्वेदिक बताता है, तो फिर वो अपने प्रोडक्ट्स की कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट क्यों नहीं शो करता। जैसे कि आपने इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी, जिसमें मेंशन्ड है बेस क्यूएस। अब इस प्रोडक्ट के बेस में क्या चीज़ें रखी गई है, ये हमें बताया ही नहीं गया। अगर आप उनमें से हैं जिनको एक ऐसा अफोर्डेबल रेट में बॉडी वॉश चाहिए जो आपकी स्किन की डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से क्लीन करे, स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड रखे, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को लगभग मैंने ख़त्म कर दिया है। कभी कभी इवन मैंने इसको अपने फेस पर भी अप्लाई किया तो मुझे कोई इरीटेशन, एलर्जीज तो नहीं हुई है। इसलिए मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। बट हाँ, आप उनमें से हैं जो 100% ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं, तो डेफिनेटली आपको और मुझे इस प्रोडक्ट की जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो डिसअपॉइंटेड कर रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आई विल रेट दिस प्रोडक्ट 4 out of 5। खादी नेचुरल्स के मैंने और भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं पर्सनली, जिनका मैंने रिव्यू अपने चैनल पर शेयर किया है। रिव्यू लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिएगा। आई होप माय प्रोडक्ट रिव्यू वाज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।